नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं के शर्मा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच कुछ स्टडी मटेरियल को लेकर। हम आपको बताना चाहेंगे, हम मैथ्स, जीके, इंग्लिश, मॉरल पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स भी इसमें काम करते हैं जो अच्छी तरह से वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं, और आप जुड़े रहिए हमसे इसी तरह से। देखिए इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, आवर फेस्टिविटीज। द चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम द मॉरल बुक। द नेम ऑफ बुक इज लाइफ स्किल्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सेल्फ चेक। फेस्टिवल्स आर नथिंग बट अ वे टू ब्रिंग यू क्लोजर टू योर फैमिली। फेस्टिवल इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि वो हमें आपस में मिलाते हैं, हमारे परिवार को और जो है क्लोज करते हैं। आवर इंडिया व्हाट अ कंट्री, कितना अच्छा देश है हमारा। वी आर द कंट्री ऑफ सेवरल रिलीजन्स, हमारे देश में न जाने कितने धर्म रहा करते हैं। द कंट्री ऑफ वेरियस कस्टम्स एंड द रिचुअल्स, इस देश में बहुत तरह की परंपराएं, बहुत तरह के रीति रिवाज मनाए जाते हैं। वी आर द कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, हमारा ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। द कंट्री ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स, यहाँ पर बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। द कंट्री ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक एंड इनॉर्मस डांसेस, हमारा देश ऐसा देश है जहाँ बहुत तरह के संगीत, बहुत तरह के नृत्य प्रयोग किए जाते हैं। मैनी डिफरेंट कल्चर्स मेक इंडिया यूनिक कंट्री, यहाँ की संस्कृति बहुत प्रकार की, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक यूनिक देश बनाते हैं, एक अलग अद्वितीय जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा देश बनाते हैं। आवर इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट एंड 7 इंडियन टेरिटरीज, हमारा देश 29 राज्यों में और 7 टेरिटरीज में बटा हुआ है। पीपल बिलोंगिंग टू ईच स्टेट फॉलो वेरियस कस्टम्स, हर प्रदेश के लोग अपना अलग अलग तरह के रीति रिवाज के तहत अपना जीवन यापन करते हैं। देयर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट, उनके खाने की, उनकी भोजन की आदतें अलग होती हैं। दे वेरी इवन इन देयर कस्टम्स एंड लैंग्वेज, वो अपने रीति रिवाज, प्रथाएँ और भाषाओं में भी अलग हुआ करते हैं। दे सेलिब्रेट देयर रिस्पेक्टिव फेस्टिवल्स, वो अपने सम्मानित जो त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर वन एंड विल रिमेन वन, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी हम एक हैं और एक रहेंगे। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट मैनी रिलीजन्स आर फॉलोड बाई द पीपल ऑफ इंडिया, आपको जैसा पता होगा कि हमारे देश में बहुत तरह के धर्मों को मानने वाले लोग रहा करते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद आवर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे धर्म से रिलेटेड होते हैं। विसाइड द रिलीजन्स फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटेड सम हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक बैसाखी, जैसे कि फेस्टिवल रिलीजन के साथ साथ जो अलग से त्यौहार ऐसे होते हैं जो हमारे धर्म के या खेती पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि बैसाखी, ओनम, पोंगल। वी ऑल्सो हैव सम इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एटसेट्रा। बात अगर करें तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं जैसे कि गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस। सो फेस्टिवल्स ब्रिंग ए डिलाइटफुल चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इन त्योहारों से बहुत सारा बदलाव आता है लोगों की ज़िंदगी में।
Some of the important religious festivals are Dasara, Durga Puja, Diwali, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Ram Navami, Christmas, Eid ul-Fitr, Eid ul-Juha, Guru Parv, Buddha Purnima, Mahavir Jayanti. ये सब अलग अलग तरह के त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ. दशहरा इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया. हमारे पूरे देश में दशहरा को मनाया जाता है. इट इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ अ गुड ओवर इवल. अकॉर्डिंग टू रामायण, लॉर्ड राम किल्ड रावण ऑन दिस डे. दशहरा के दिन जो होता है वो ये होता है कि ये अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में मनाया जाता है. रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राम ने इस दिन रावण को मारा था. दिवाली, दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली को लाइट का त्यौहार कहा जाता है. अगर हम बात करें तो दिवाली दीपों का त्यौहार कहते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ द एग्जाइल. एग्जाइल मीन्स वनवास. 14 वर्ष के वनवास के बाद रामचंद्र जी इस दिन घर लौट कर आए थे, अपने अयोध्या में वापस आए थे. तो लोगों ने खुशी में इस त्यौहार को मनाया था, दीपक जलाए थे. चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स ऑन द डे. आज के समय में बच्चे इस दिन पटाखे चलाते हैं. एट नाइट इनॉर्मस काइंड ऑफ द लैम्प्स. बहुत तरह के दीपक जलाए जाते हैं. कैंडल्स आर लिट इन द हाउसेस. मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं. इन द इवनिंग एट होम्स एंड शॉप्स लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप फॉर प्रॉस्परिटी. शाम को हर घर में गणेश जी की पूजा होती है, देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि हमारा परिवार सुख और संपत्ति से भरा रहे. ईद उल फितर. द मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. मुस्लिम लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल फितर को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं. दिस डे सेलिब्रेट्स द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान. ये दिन रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है. रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग. रमजान रोजे का महीना होता है. इस दिन व्रत रखते हैं. जैसे हिंदुओं में व्रत रखा जाता है उसी तरह से मुस्लिम में रोजा कहा जाता है उसे. ऑन ईद मुस्लिम गो टू मॉस्क टू ऑफर नमाज. जब ईद का दिन आता है तो मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए. दे बियर न्यू ड्रेसेस एंड एम्ब्रेस एंड विश ईच अदर ईद मुबारक. वे नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं. जैसे हिंदू लोग होली पर मिलते हैं उसी तरह से मुस्लिम लोग ईद पर गले लगते हैं. सेवई इज स्पेशल स्वीट डिश प्रीपेयर्ड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर डे. इस दिन सेवई बहुत ज़्यादा प्रचलित पकवान होता है. सारे लोगों के घर में ये बनता है. गुरु पर्व. द सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व टू मार्क द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज. गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके लिए ऐसा माना जाता है कि 10 गुरु हुआ करते थे सिखों में, उनके जन्म दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है. लंगर्स आर हेल्ड एंड सर्वत इज डिस्ट्रीब्यूटेड द पब्लिक. इस दिन लोगों को खाना खिलाया जाता है, सर्बत वगैरह वितरण किया जाता है, लोगों को सर्बत पिलाया जाता है. द सिख गो टू द गुरु पर सॉरी गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर्स. सिख समुदाय के लोग, पंजाबी लोग, सरदार लोग इस दिन अपने गुरुद्वारा में जाया करते हैं और वहाँ जाकर पूजा पाठ किया करते हैं. गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिक्स. सिखों की अगर पवित्र पुस्तक की बात करी जाए तो वो गुरु ग्रंथ साहिब होती है. गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर इन पंजाब इज द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ द सिक्स. अमृतसर में एक टेम्पल है
एक गुरुद्वारा है जिसको गोल्डन टेंपल के नाम से कहा जाता है। ये पंजाब में है अमृतसर नामक जगह पर, और ये सबसे ज़्यादा फेमस जगह है सरदारों के लिए। एलोंग विद वी आल्सो सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। सम इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर वैसाखी, एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, होली एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया, पोंगल एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु एट्सेट्रा। इन सब के साथ अगर हम बात करें तो कुछ फसलों से संबंधित भी त्यौहार होते हैं, जैसे कि बैसाखी हुआ, ये पंजाब में बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। बात अगर होली की करें तो उत्तरी भारत में ये बहुत फेमस त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। बात अगर पोंगल की करें तो तमिलनाडु का ये एक प्रसिद्ध त्यौहार है बैसाखी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 13th of April। ये 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला पंजाब का त्यौहार है। पीपल इन नॉर्दर्न इंडिया सिंग एंड डांस विद द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। इस दिन सिख लोग डांस करते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स मेजोरिटी सेलिब्रेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। होली नॉर्थ इंडिया का एक प्रमुख त्यौहार है, ये रंगों का त्यौहार होता है। पीपल पोर कलर्ड वाटर एंड अबीर गुलाल एट ईच अदर। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं, अबीर डालते हैं, अबीर नबाते हैं, गुलाल लगाते हैं। अ नाइट बिफोर होली बोनफायर आर लिट टू सिम्बोलाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेडी डेमन होलिका। और रात में एक रात पहले एक बड़ा सा अलाव टाइप का लगाया जाता है जिसे हम होलिका कहते हैं, और उसको जलाया जाता है। उससे इस चीज़ का एहसास कराया जाता है जो होलिका नाम की एक महिला हुआ करती थी, वो एक ऐसी महिला थी जिसने प्रहलाद को जलाकर मारने की कोशिश की थी, इस वजह से उसको जलाकर खुशी मनाई जाती है। ओनम, ओनम इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द हार्वेस्ट टाइम इन केरला। ओनम एक ऐसा त्यौहार है जो केरल में फसल कटने के समय मनाया जाता है। पीपल ईट सम स्पेशल ओकेजन फूड। इस दिन कुछ स्पेशल पकवान बनते हैं, सर्व ऑफ द बनाना लीव्स, और ये केलों के पत्तों पर रखकर इनको खाया जाता है। द ह्यूज स्नेक बोट रेसेस आर द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ऑफ द फेस्टिवल। इस दिन स्नेक बोट की रेसेस होती है, दौड़ होती है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। ये अगस्त और सितंबर में ये त्यौहार आता है। बिसाइड्स दीज रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट सम नेशनल फेस्टिवल्स सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सम नेशनल फेस्टिवल्स सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ये तो रहे फसल के त्यौहार, इनके अलावा कुछ ऐसे राष्ट्रीय पर्व भी हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। नेशनल फेस्टिवल्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस बिकॉज दे आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया वाई एवरी इंडियन। इनका अपना एक बहुत महत्व होता है क्योंकि ये भारत के हर व्यक्ति के द्वारा मनाए जाते हैं। दे ब्रिंग ए फीलिंग ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी Among all the Indians। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको कोई धर्म विशेष का व्यक्ति नहीं, बल्कि सब धर्म सब जातियों के लोग एक साथ मनाते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो उससे यूनिटी की भावना आती है, एकता की भावना जागृत होती है। हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। मोनूमेंट्स आर आवर हेरिटेज, दे आर द बिल्डिंग्स और देयर लेफ्ट ओवर्स ऑफ ग्रेट वैल्यूज दैट हैव कम टू अस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मोनूमेंट यानी कि स्मारक हमारी विरासत के रूप में हुआ करते हैं। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत।
मोनूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। स्मारक एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई होती हैं। वी शुड नॉट स्पॉयल देम बाई स्क्रिबलिंग ओवर देयर वॉल्स पिलर्स डोर्स मिनरेट्स। तो होता है क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कुछ लिख दिया, उस पर निशान लगा दिए, खुरेस दिया, कुरेद दिया। इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। कैन यू नेम आउट दीज हेरिटेज प्लेसेस, क्या आप कुछ ऐसे विरासत वाले जगहों के नाम बता सकते हैं। कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, बहुत भाषाओं का देश। देर आर 22 मेजर लैंग्वेज इन इंडिया, हमारा देश बहुत सारी भाषाओं का देश है जहां 22 भाषाएं मुख्यतः बोली जाती हैं। बिसाइड दिस देर आर हंड्रेड्स ऑफ द डायलैक्ट्स। इन 22 भाषाओं के अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर बोलियां बहुत हैं, अनगिनत बोलियां हैं जिन्हें डायलैक्ट्स कहते हैं इंग्लिश में। सम ऑफ दीज लैंग्वेज हैव देयर ओन अल्फाबेट, और हर लैंग्वेज का अपना अल्फाबेट अलग से होता है, अपनी वर्णमाला होती है। इसका क्या मतलब है, इससे मतलब है इंग्लिश में ए टू जेड होता है, हिंदी में आ टू ग्या होता है, और ऐसी उर्दू में अले बे वगैरह होता है। तो ये सब के अल्फाबेट अलग होते हैं। टू बी एबल टू नो अबाउट पर्टिकुलर लैंग्वेज वी नीड टू लर्न इट अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट फर्स्ट। लेटर, लेटर कम्स द मेनू स्क्रिप्ट। अगर बात करते हैं हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लेटर सीखना पड़ेगा, उसका अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, तब हम जाकर उस भाषा को सीखेंगे। उम्मीद है कि आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में जो भी दिया गया है स्टडी से रिलेटेड उसको अच्छे से देखा होगा, समझे होंगे, आपको हेल्प मिलेगी। आपका दिन शुभ हो और आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी के साथ कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।